नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट न्यूज इंडिया में। महाराष्ट्र में हो रही जबरदस्त बरसात के बाद लैंडस्लाइड की बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। बता दें आपको, महाराष्ट्र के यवतमाल बुलढाणा में बाढ़ आ चुकी है। दो लोगों की जान इस भयंकर बरसात ने ले ली है। बता दें आपको, यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। जी हां, हेलीकॉप्टर के द्वारा यवतमाल में भयंकर बरसात जो हुई है, जिसकी वजह से सड़क हो, घर हो, सब कुछ जलमग्न हो चुका है। बता दें मुंबई की भी हालत कुछ ठीक ठाक नहीं है। मुंबई के पास में अगर देखा जाए तो वसई विरार पूरी तरह से डूब चुका है। वहीं कुर्ला एलबीएस रोड की बात करें या फिर बात करें हम भाईंदर दादर की, इन तमाम इलाकों में भयंकर बरसात की वजह से सड़कों की हालत आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग ना जो है कमर तक, जी हाँ, पानी जो है और जिसके बीच में लोग जो है यात्रा करने पर मजबूर है। देख सकते स्कूटी सवार किस प्रकार से पैदल ही अपनी स्कूटी को लेकर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एक माँ बेटी भी देखिए किस प्रकार से कमर तक पानी में जाने के लिए मजबूर है। बता दें मुंबई की कई रोडों पर यही हालत है। लगातार हो रही बरसात की वजह से इस प्रकार की नौबत आ चुकी है। हर साल बीएमसी वादा तो जरूर करते हैं, लेकिन लगभग यही हर साल का जो है रहता है। देख सकते हैं किस प्रकार से जब बस जो है गुजर रही है बीच में से, तो किस प्रकार से नदी की तरह लहरें उठाई दे रही है। सड़क का हाल है। जी हाँ दोस्तों, लगातार इस वक्त मुंबई में बरसात जारी है। और मुंबई के अलावा अगर बात करें तो यवतमाल में अभी भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। बुलढाणा में भी रेड अलर्ट जारी किया है। कई ऐसे जिले हैं महाराष्ट्र के जहाँ पर ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि आने वाले दो दिन इसी प्रकार खतरनाक बरसात होगी।